आपको बता दें कि नागिन 5 में उनको मेन लीड के लिए फाइनल किया गया है। आप उनको आने वाले सीरियल में जरूर देखेंगे, उनका परफॉर्मेंस शो में कैसा है वो कमाल कर रही हैं। शो की टीआरपी भी उनकी वजह से काफ़ी आगे जाने वाली है, ये से सबको लग रहा है। आपको बता दें कि वो काफ़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, उन्होंने इंडियन टेलीविजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत तारक मेहता का उल्टा चश्मा से की थी, जिसमें वो कि वो स्वीटी की भूमिका में थी। हालांकि शो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, उनका कैरेक्टर भी आपको बता दें। इसके बाद उन्होंने स्टार प्लस का एक शो किया था, एक नंद खुशियों की चाबी मेरी भाभी। आपको बता दें कि इसमें भी वो गेस्ट रोल में थी, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर शो आया था जो कि कबूल है, GTV का पॉपुलर शो था, जिसमें वो हया के किरदार में थी। इनसे उनको काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, लोग उनको जानने लग गए थे। लेकिन जो उनकी पॉपुलरिटी जिस रोल से बढ़ी थी वो था अनिका त्रिवेदी का, जो कि स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल था इशकबाज, उसमें वो की थी परफॉर्मेंस। उनका केमिस्ट्री नकुल मेहता के साथ काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया था। ये भी स्टार प्लस का वन ऑफ द फाइनेस्ट शो में नाम आता है। इसका सुरभि चन्ना भी इस करेक्टर से काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, और करीबन जितना भी समय उन्होंने इस शो के साथ बिताया काफ़ी अवार्ड काफ़ी अप्रिसिएशन उनको मिला था। आपको बता दूँ कि इसके बाद उन्होंने एक और शो किया था स्टार प्लस के साथ, डॉक्टर ईशानी का रोल किया था संजीवनी के सेकेंड सीजन में, वो भी काफ़ी अच्छा चला था। आपको बता दें कि इसके बाद आपको सुनने में आ रहा है कि नागिन 5 में वो मेन लीड की भूमिका निभाएंगे, जिसको आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा कि उनका परफॉर्मेंस शो में कैसा जाता है और उसकी कैसा TRP आता है उनकी वजह से शो में आने के बाद।